समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व विधायक विधान परिषद सदस्य 19 सितंबर को पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचेंगे। इस पैदल मार्च का नेतृत्व स्वयं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। इस बात की जानकारी सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज पांडे ने आज राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी है। डॉक्टर मनोज पांडे ने यह बात बताया कि 19 से पहले के क्रमिक धरने स्थगित कर दिए गए हैं। यह वही धरना स्थगित किया गया है जिसको लेकर आज सपा व पुलिस के बीच संघर्ष हुआ है। डॉक्टर मनोज पांडे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों, नौजवानों, गरीब, बेरोजगारों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज सरकार के इशारे पर पुलिस का रवैया रहा है। प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दे को लेकर जनता परेशान है। जनता के मुद्दे को लेकर सपा 14 से 17 सितंबर तक क्रमिक धरना देने की शुरुआत आज से कर रही थी, लेकिन पुलिस रात से ही विधायकों के घर में घुसकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। सुबह होते होते विधायकों को बंधक बना लिया गया। उन्होंने कहा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधायकों को विधानसभा में न जाने दिया गया हो। यह इसी सरकार में हुआ है। इस सरकार में जनता द्वारा चुने गए विधायक विधानसभा में नहीं जा सकते हैं। तंत्र में इस तरह की कार्यवाही का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे इश्यूज पब्लिक के इश्यूज थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के इन किन्हीं मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया और हमने फिर आज साबित किया कि हम उत्तर प्रदेश के गरीबों के साथ, किसानों और नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोगों की किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, कोई क्रिमिनल्स नहीं है हम लोग। हमारी तो एक हड्डी डिसलोकेट हो गई और भी तमाम लोगों को चोटें आईं। और एक चुने हुए विधायकों को जिस तरीके से भारी वर्षा के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया गया, उसके गवाह आप सबके तमाम साथियों के कैमरे भी हैं। 2 बजे तक हम लोगों ने वहाँ पर धरना चलाया और 2 बजे तक का ही धरना हमारा घोषित था। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये लड़ाई वर्षों से और सदियों से समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने लड़ी है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी आज लड़ रहे हैं। और इसलिए जब उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र हो, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह निर्णय लिया है कि 19 तारीख को किसानों के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में, महिलाओं पर, बेटियों पर हो रहे अपराध के विरुद्ध, बढ़ती हुई महंगाई और लगाई जा रही लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही GST के विरोध में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सदन में जो हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सा बनेंगे, वो पैदल मार्च सारे हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, वो 19 तारीख को पैदल मार्च करके हाउस पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के सदन में हम लोग पूरी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में इन मुद्दों को भी मजबूती से हम सब उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र हो, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह निर्णय लिया है कि 19 तारीख को किसानों के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में, महिलाओं पर, बेटियों पर हो रहे अपराध के विरुद्ध, बढ़ती हुई महंगाई और लगाई जा रही लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही GST के विरोध में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सदन में जो हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सा बनेंगे, वो पैदल मार्च सारे हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, वो 19 तारीख को पैदल मार्च करके हाउस पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के सदन में हम लोग पूरी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में इन मुद्दों को भी मजबूती से, किसान का सीधे उत्पादन लिया जाए, उसका मूल्य उसको दिया जाए। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं
कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, किसानों और गरीबों, नौजवानों और बढ़ती हुई महंगाई पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं। 19 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पद यात्रा, शांति पद यात्रा निकालते हुए किसानों के इन सारे मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को, बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दों को संजो करके हम लोग पैदल उनके नेतृत्व में विधानसभा जाएंगे। उन्हीं के नेतृत्व में होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही वो पद यात्रा जाएगी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से विधान भवन तक।